of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. पापा पूरा कवर होके जा रहे हैं, सामने वाला कवर डाले और पूरा बड़ा फैन हो रहा है। क्रॉस देख सकते हो, देखो स्नोफॉल चल रहा है, देख सकते हो। देखो यहाँ पर ये मूवी शूटिंग हुआ था, देखो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है, यहाँ पर ये आया था, यहाँ पर क्रिस्टल जम गया, यहाँ पर क्या बोलते हो? Hey guys, welcome back to my new vlog. So, आज हम लोग हैं स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में, तो बहुत ही अच्छा वाला वेदर है। सुबह सुबह 4 डिग्री सेल्सियस का मौसम मिला है, कल रात को थोड़ा बहुत ड्रिजलिंग हुआ है, पिछले वाला व्लॉग को मैं बोला था। अभी आज जहाँ पर जा रहे हैं माउंट तितलिस, वहाँ पर 100% चांसेस है स्नोफॉल होने का दिखा रहा है वेदर में। अभी लक में जो लिखा है, अगर हुआ तो स्नोफॉल भाई चुम्मा वाला ब्लॉग है, चुम्मा वाला ब्लॉग, चुम्मा एकदम चुम्मा वाला 360 चुम्मा वाला ब्लॉग आएगा आएगा आएगा। पूरा ब्लॉग देखो, स्किप मत करो, कब क्या होगा मालूम नहीं है आपको भी मेरे को भी, कब स्नोफॉल होगा नहीं होगा मेरे को भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। तो बिना देरी किए जाते हैं नीचे। और पिछले वाला ब्लॉग में एक गलती कर दिया मैंने, रूम टूर नहीं दिया, आज दे देता हूँ। दिस इज आवर रूम एंड फटाक से एक दे देता है, ये देखो यह है बाथरूम, और यहाँ पर ऐसा कुछ है, यहाँ पर एक मिरर भी है, बहुत अच्छा है मिरर। और यहाँ पर यह है एक कॉफ़ी कप, यह सब दिया हुआ है, मतलब खाना वाना बनाने के लिए कॉफ़ी या चाय। और यहाँ पर है ब्रश, ट्रश मेरा है, वो होटल से नहीं है। और यहाँ पर मेरा एसेसरीज, यहाँ का पिन प्लाक देखो गाइस, अगर स्विट्जरलैंड आ रहे हो तो ये छोटा वाला पिन का प्लाक ले आओ, मतलब जो यूरोप का है वो तो अलग है और यहाँ का और एक अलग है। और यहाँ पर मेरा लैपटॉप एसेसरीज, यहाँ पर चीज़, और ये चेक करें आप लोग को दिखाते हैं, वो भाई क्या सुंदर वाला व्यू आ रहा है मेरे रूम से। देखो उस साइड हमारा रूम था, यहाँ पर एक सुंदर वाला व्यू है, हमारा बस भी वहाँ पर खड़ा है। और ये चेक करें भाई, कितना प्रीमियम लुक दे रहा है, यहाँ पर हमारा होटल है मतलब रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट होगा, और ब्रेकफास्ट होने के बाद हम लोग निकल जाएंगे माउंट तितलिस के लिए। चलो ब्रेकफास्ट कम्प्लीट करते हैं अभी। बस में तो आ चुके हैं, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट कर गया, अभी स्नो दिखना चालू हो गया बर्फ, तो आप लोगों को वो वीडियो दिखाते हैं और थोड़ा सिनेमैटिक्स भी देते हैं रास्ते का और स्विट्जरलैंड का जो नेचर है उसका। तो एंजॉय करो सिनेमैटिक्स, उसके बाद मिलते हैं। सीट में आके बैठ गया भाई, फ्रंट व्यू लेने के लिए ड्राइवर के बगल में। तो आप लोगों को भी व्यू देंगे बहुत ही सुंदर वाला, स्नोफॉल हो रहा है थोड़ा बहुत दिख रहा है हम लोगों को, ऊपर जाके अगर लक में हुआ ना भाई स्नोफॉल दिख जाए। ये देखो गाइस, बर्फ के बहुत ही करीब आ रहे हैं हम लोग, बहुत ही करीब आ चुके हैं। और मैप में दिखा रहा है, ड्राइवर के पास बैठा हूँ ना, 4 किलोमीटर दिखा रहा है,
चार किलोमीटर बाद हम लोगों को केबल कार लेना पड़ेगा, ऊपर जाएंगे बर्फ में, मज़ा होगा बहुत सारा। ब्लॉग में एक्साइटमेंट अलग है क्योंकि स्विट्जरलैंड। देखो यहाँ से हम लोग जाएंगे केबल कार से, और बर्फ़ का व्यू देखो गाइस, बर्फ़ का व्यू देखो, माय गॉड लेवल एक्सपीरियंस है, माय गॉड। गुलमर्ग में देखा था ऐसा बर्फ, पर इतना अच्छा नहीं देखा था। गुलमर्ग में देखा था, गुलमर्ग में हम लोग को स्नोफॉल भी मिला था गुलमर्ग जब गए थे। अभी ये चेंज करना पड़ेगा, हमारा पावर ग्लास और सन ग्लास पहनना पड़ेगा। लेट्स गो। एक खुशी का खबर सुनोगे, यहाँ पर बारिश हो रहा है, मतलब ऊपर स्नोफॉल, लक खुल गया हमारा भाई। देखते हैं पर जाते जाते अगर बारिश थम गया क्या कर सकते हैं। पापा पूरा कवर हो के जा रहे हैं, वहाँ पर हमारा मम्मी, पापा पूरा कवर। पापा पापा ठंड लग रहा है? बहुत ठंड है, बहुत ठंड बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी पापा को मेरा टोपी दे दिया, मैंने पापा का टोपी पहन लिया, और सनग्लास भी मैंने चेंज कर लिया। वो थोड़ा बड़ा लग रहा था, क्यों मालूम नहीं, पर चेंज कर लिया। अभी जाएंगे, ये देखो यहाँ से हम लोगों का केबल कार है, जाना है टिकट। अभी टिकट कहाँ पर लगाया मालूम है? यहाँ पर खोलना नहीं चाहिए, हाथ में लगा लिया। चलो अभी जाते हैं। है मम्मी ठंडा, बहुत ठंड, बहुत ठंड, पूरा गियर्ड पूरा ऊपर से नीचे तक कवर्ड। जोज पास, यह हमारा टिकट, और जाएंगे ऊपर। तो गाइस अभी केबल कार में बैठ चुके हैं, वहाँ पर मेरा बैग भी रख दिया। ये बाहर का कुछ व्यू है, और आप लोगों को अभी 360 दिखाएंगे अगर यहाँ पर विंडो ओपन हुआ तो। मैं पूरा बर्फ जम रहा है मेरा, देख सकते हो, ये देखो 360 कैमरा, हाथ में बर्फ, पूरा स्नोफॉल हो रहा है। ये चेक करे वॉइस, पूरा वाइट स्नो, आधा बॉर्ड पे चले जाते हैं ना, और आगे क्या होने का जी है। ये देखो कंपनी तो सब सदा में है, मेक पिक की चुन चोक चोक। अभी यहाँ पर पूरा हाथ पूरा लाल हो चुका है मेरा, 360 शॉट लेने गया था, लाल करके आ गया हाथ। ये चेक करो गाइस, पूरा जम गया है, पानी गिर रहा था, पूरा जम गया है, खतरनाक वाला स्नोफॉल हो रहा है, हाथ पूरा लाल हो चुका है। आप लोगों के लिए 360 लेने के लिए हाथ पूरे बाहर आ करते हैं, यहाँ पर -10 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री, हाथ पूरा लाल हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। ये देखा ना पानी कैसा गिर रहा है, ये देखो आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं मालूम, ये देखो स्नोफॉल हो रहा है, बाहर जाके दिखाते हैं अच्छी तरीके से। देखो स्नोफॉल चल रहा है गाइस, देख सकते हो, और यहाँ से फिर एक राइड लेना पड़ेगा हम लोगों को, पूरा स्नो गिर रहा है यहाँ से भाई, सुपर गाइस सुपर, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बर्फ गिर गया, यहाँ पर खुदाई चल रहा है, पूरा ब्लॉकेज हो गया है। कैसा लग रहा है पापा, बोलो कैसा लग रहा है? हाँ मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। स्नोफॉल देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, कांप रहे हैं अंदर से। FATA फटा, FATI फटी, फटा फटी। कब लगी जाए? फर्स्ट क्लास। अरे फर्स्ट क्लास तो मतलब की फर्स्ट क्लास? ये तो सिनेमा शो था की फर्स्ट क्लास। देखो स्नोफॉल गाइस, स्नोफॉल। तो गाइस अभी इसके अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर कोई विंडो नहीं है, तो उसे शॉट तो नहीं दे सकता। फर्स्ट फेज से सेकंड फेज आए, मतलब पहले हम जीरो फेज में थे, उसके बाद फर्स्ट फेज में आए, उसके बाद सेकंड फेज में आए, उसके बाद अभी और एक फेज में जा रहे हैं टॉप। क्या देखो स्नोफॉल चालू है बाहर, अब यही देखो, अब मिलता है एकदम ऊपर जाके। देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतना बर्फ भाई, पूरा यहाँ पर बर्फ जम गया। ये देखो ये लोग सब स्कीइंग करने जा रहे हैं, करना स्कीइंग
घूमते घूमते गिरोगे नीचे तक, यही तो मजा है। देखो यहाँ पर ये मूवी शूटिंग हुआ था, वो वाला व्यू याद है आप लोगों को, मूवी शूटिंग व्यू। ये देखो पूरा स्नोफॉल, मस्त वाला स्नोफॉल चालू है, मस्त वाला। ये देख सकते हो स्नोफॉल चालू है, लॉट भी चालू है। क्या बोलते हो? टोपी खोल, टोपी नहीं, टोपी नहीं खोलूंगा, ठंड लग जाएगा भाई। कितना ठंड लग रहा है। देखो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज हैं, यहाँ पर ये व्यू ही, और ये देखो बॉयज, ये देखो स्लीप, ये देखो कितना स्लीप हो रहा है यहाँ पर पूरा। 360 शॉट देंगे अभी आप लोगों को, ऊपर जाने दो। यहाँ पर कितना स्लीप हो रहा है गाइस बता नहीं सकता, कितना स्लीप हो रहा है गाइस बता नहीं सकता, बहुत ट्रिप करके चलना पड़ रहा है। ये देखो, ये देखो आवाज भी कर, मस्त वाला व्यू गाइस, मस्त वाला व्यू। स्नोफॉल के साथ साथ कितना अच्छा लग रहा है गाइस, कितना अच्छा लग रहा है यार। पापा जी फोटो खींच रहे हैं मम्मी का, और ये व्यू से मैं मुंह नहीं फेर सकता, इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना, हटाया नहीं जा रहा है मेरे सामने से, अभी मुंह घुमा नहीं सकता, इतना अच्छा व्यू लग रहा है मेरे को। ये बहुत पसंद आता है यार, देखने के लिए तरस गया था, देखने के लिए सीरियसली तरस गया था पूरा। In the corner with a nosebleed, high on whatever they saw me. That's the old me, yeah. 6 years later, trying to find me, still trying to figure out the mind piece, looking for the love inside me, inside me. ये अंदर जा रहे हैं, पूरा फ्रीज हो गए, थोड़ा गर्म करके आते हैं बॉडी को, उसके बाद फिर से ब्लॉग बनाएंगे। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, स्नोफॉल ठंड ठंड, गर्म करके आते हैं थोड़ा बॉडी को गर्म करते आते हैं। ये देखो यहाँ पर जाएंगे। पापा क्या देख रहे हो, पापा क्या देख रहे थे? ऑल्टीट्यूड देखा अच्छे। देखो रणवीर सिंह एक्टर फ्रॉम इंडिया 31 मार्च 2017 आए थे यहाँ पर। ये देखो बहुत सारा है पर ये मेनली फोकस है रणवीर सिंह। ये यहाँ पर थोड़ा बॉडी को गर्म करने के लिए आए हैं, हीटर है ना यहाँ पर, तो थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है, फीलिंग बेटर। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर से जाएंगे। एक ब्लॉग तो बाकी है अभी मेरे दोस्तों, अभी बाकी है मेरे दोस्तों। थैंक यू। अभी हम लोग यहाँ पर चॉकलेट खरीदने आए थे, ये देखो सब चॉकलेट खरीदे, स्वीट चॉकलेट। $64 माय गॉड। अभी हम लोग ग्लेशियर केव में जा रहे हैं, इसके ऊपर ही है ये सिचुएशन, फिर से ठंड लगना शुरू क्योंकि बर्फ से बनाया हुआ है ये केव। तो आप लोगों को भी दिखाना बनता है, इतना दूर आए हैं तो दिखाना बनता है ना, आप लोग देखने के लिए आ रहे हो मस्त मस्त चीजें, तो आप लोगों को दिखाना बनता है। ये देखो, ओ भाई धीरे से चलना पड़ रहा है। ये देखो अभी शुरू हो गया, अभी यहाँ से ये देखो
कितना स्लीपर है, पूरा स्लीपर है किंतु ये देखो पूरा स्लीपर। हां देखो केव पूरा बड़ो फील है, पूरा केव बहुत अच्छा लग रहा है। हम फोटो पकड़ दो, पूरा बर्फ से बनाया हुआ, ये देखो पूरा बर्फ, पूरा बर्फ असली वाला बर्फ से बनाया है। मस्त चीज है ये, मतलब होता है इग्लू टाइप फीलिंग है, इग्लू पूरा स्नो केव है ना, तो ये पूरा असली वाला बर्फ है ये पूरा। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, बाहर से भी हाई है कि एक भी बर्फ पिघले ना, पानी ना हो, पर स्लीपर ही तो है भाई, वॉक कर रहे हैं थोड़ा बहुत पिघल रहा है तो स्लीपर ही तो है। बढ़िया जाएंगे, मेरे पास स्नो शूज है इसलिए हम लोग यहाँ आराम से चल सकते हैं। नहीं गिरोगे, गिरना है तो मेरे को गिरना है क्योंकि मेरे पास स्पोर्ट्स शू है। फिर भी आराम से चल रहे, धीरे धीरे चल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर एक टावर दिख रहा था ना, इतना फॉग हो गया टावर ही दिखना बंद हो गया। ये देखो पूरा भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, भाई इतना ठंड है ना कुछ भी दिख नहीं रहा है। देखो वहाँ पर मेरा मम्मी पापा खड़ा है, वो भी दिख नहीं रहा है ठीक से। यहाँ का जो टावर था इतना अच्छा सुंदर वाला, वो भी दिख नहीं रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे को भी मालूम है, मतलब मैं ठीक से नहीं दिख रहा हूँ, मेरे को ये पक्का मालूम है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉग बना रहे हैं, अभी एक रील बनाएंगे यहाँ पर 360 से, गाना देंगे मितवा सुंदर वाला, तो बना लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आप। सो गाइस अभी ये देखो 360, और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अंदर और बाहर नहीं आएंगे गाइस। यहाँ पर टेम्परेचर करीब अभी दिखा रहे हैं यहाँ पर -16 भाई, -16 अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी चलते हैं अंदर और हीटर में बैठते हैं, और नहीं बर्दाश्त होता, बहुत ब्लॉग बना लिया। अच्छा 360 भी चालू है, आप लोगों को जितना हो सके दिया भाई। मम्मी कितना ठंडा है, मम्मी के देखो हेयर में पूरा बर्फ जम गया। मोमेंपिक हम लोगों का जो होटल है यहीं पर भी है, तो अभी यहाँ पर हमारा बॉडी गर्म करने के लिए कॉफ़ी लेने आए हैं। दाम तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है भाई, एक एक कॉफ़ी का प्राइस $5, क्या बोलूँ भाई, बहुत ज़्यादा प्राइस है, बहुत ज़्यादा। ये देखो कॉफ़ी ले आया हूँ, पापा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मम्मी यहाँ पर, कैसा लग रहा है मम्मी, गर्म लग रहा है अभी? और ये वाला व्यू देखो पूरा जम गया, दिख ही नहीं रहा है यहाँ से, थोड़ा बहुत देखो वो पानी का जो क्रिस्टल है वो भी जम गया है। अभी हम लोग आ गए हैं लंच करने, यहाँ पर हमारा इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन लंच होगा, बहुत अच्छा वाला, पूरा हीटर में है ना, अच्छा वाला फील आ रहा है बहुत, क्योंकि अभी तक तो बर्फ में जम गए थे पूरा। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग तो सब्सक्राइब करे भी ना चले जा रहे हो, लाइक दे भी ना जा रहे हो, कमेंट करे भी ना जा रहे हो, क्या बोले, सपोर्ट तो नहीं कर रहे हो। आप लोगों का एक दो ही चीज़ चाहता हूँ, प्यार सपोर्ट, वो नहीं कर रहा। अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, तगड़ा वाला स्नोफॉल ज़्यादा हो रहा है अभी, ये देख सकते हो, हाँ देख पा रहे होगे कि नहीं मालूम नहीं है, पर अभी बहुत ज़ोर का स्नोफॉल हो रहा है, और आगे थोड़ा थोड़ा अभी पूरा कवर हो रहा है, मतलब हमारे बाद जो आएंगे ना कल, कल के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्नो हो रहा है, आगे का एंट्री बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्नो हो जाता है तो एंट्री बंद हो जाता है, यहाँ पर ज़्यादा स्नो हो जाता है एंट्री बंद हो जाता है, देख सकते हो कितना स्नोफॉल हो रहा है। और काफ़ी बढ़िया लग रहा है ठंड के मौसम में, ये देखो स्नोफॉल। फ़ोटो खींचने के लिए फ़ोन बाहर निकला था, क्रिस्टल जम गया यहाँ पर, क्या बोलते हो, इतना बर्फ फ़ोन को स्नो में एक बार मतलब गिर गया था। अरे भाई ऐसा मत करो, यहाँ पर गिर गया था पूरा बर्फ जम गया। ये देखो हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, माउंट पिकली, खाना देना सब हो चुका है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक खींच दूंगा मैं। एक मिनट चीज कर है, एक तुम्हारे ऊपर भी छोड़ते हैं कैमरा, रखो छोड़ कैमरा, आप लोगों को भी दिखाते हैं स्नो।
अबे खाने ढूंढ के दिल बा खाने के बाद ऑर्डर पर गए थे, स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, हम लोगों के यहाँ पर बोला गया था -12 डिग्री सेल्सियस गया था। सो गाइस ये देखो ये वाला है, अब यहाँ से एग्जिट करने वाले हैं और एक आएगा 360 केबल का, उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। ये देखो आ गया, ये देखो गाइस बर्फ जम गया सब जगह पर। कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, स्नोफॉल बहुत अच्छा लगा। अच्छा बहुत बर्फ, अभी तो हमारा ट्रिप खत्म हो रहा है, आस्ते आस्ते धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना ट्रिप। अभी भी 3 दिन बाकी है, 3-4 दिन। कितना फुट ऊंचा है? कितना फुट ऊंचा है? 10,600 बोला है, मैं भूल गया, 10,000 फीट है और समथिंग, 10,000 फीट। चेक करो कितना डिसेंडिंग है, और ये 360 घूम भी रहा है धीरे धीरे, देख सकते हो, ये देखो घूम रहा है, मैं फोन को नहीं घुमा रहा हूँ, ये देखो ऑटोमेटिक घूम रहा है, 360 घूमते घूमते नीचे जा रहा है। अब लोगों को प्रूफ दे रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, फोन को नहीं घुमा रहा हूँ, ये देखो ऑटोमेटिकली घूम रहा है ये। मम्मी घर जाने का टाइम आ गया, पापा फिर से काम मेरा स्कूल। कुछ बोलना चाहते हो? नहीं कुछ नहीं। स्नोफॉल में कैसा लगा? उतरना चाहता हूँ। हाँ बस अभी उतरना चाहता हूँ नीचे। चलो बहुत ज्यादा स्नोफॉल। ये देखो ये थोड़ा थोड़ा बर्फ था, अभी ये पूरा चेला वेला सब पूरा बर्फ से ढक गया। हम लोगों ने गुलमर्ग में भी स्नोफॉल देखा था, गुलमर्ग में, पर इतना नहीं, गुलमर्ग में इसका 10% देखा था। आप लोग एक व्यू दिखाते हैं, ये देखो भाई साहब कितना अच्छा लग रहा है यार। देखो तूफान चालू है पूरा, आप लोग देख सकते हो पूरा तूफान चालू है यहाँ पर, मतलब जो लोग सनग्लास पहन रहे हैं वो लोग देख पा रहे हो, कैमरा में दिखाई दे रहा है या नहीं मालूम नहीं है, पूरा तूफान चल रहा है, बहुत सुंदर वाला व्यू लग रहा है भाई, एकदम सुंदर। अभी इस व्यू को छोड़ के जा रहे हैं, टाटा बाय बाय, किसी और साले आएंगे। ये फेज में एक बार उतर गए, तूफान चल रहा है इसीलिए बोला हमारे गाइड को एक बार रुक लेते हैं। ये देखो पूरा तूफान, बहुत जोर का तूफान चल रहा है, और यहाँ पर एक दिखाता हूँ फॉग कैसे धीरे धीरे आ रहे हैं यहाँ पर, ये देखो ये दिख रहा है ना, धीरे 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 पूरा कवर कर लेगा, ये पूरा आ रहा है ना, ये पूरा, उतना भी स्नो नहीं था जब हम लोग आए थे एक्चुअली, मतलब जब केबल कार से आए थे। ये देखो अभी अभी गिरा हुआ है ना, इसलिए अभी भी लूज है, ये देखो ये देखो आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अभी देखो सेकंड फेज में आके पूरा -22 डिग्री, ये देखो आप लोगों के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा, लाइक ठोको सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, मस्त आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर कितना प्रो स्केटिंग कर रहा है। ये देखो जस्ट मस्त वाला वाइट वाइट बर्फ, ये तो इंडिया में कभी नहीं देखा हुआ इतना वाइट बर्फ, पूरा देखो पूरा वाइट बर्फ, एक भी जो मिट्टी रहता है। गुलमर्ग में भी बर्फ रहता है, सोनमर्ग में भी बर्फ रहता है, सिक्किम में भी रहता है, पर वाइट नहीं रहता उसमें जो चलते हैं ना हम लोग, उसमें जो चलते हैं ना हम लोग वहाँ पर ही मतलब गंदगी रह जाता है, और बर्फ में गंदगी दिखने लगता है, ब्लैकिश ब्लैकिश ऐसे रहता है वहाँ पर। अभी इस व्यू को कैमरा तो जस्टिस नहीं कर रहा है, पर मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। ये देखो धीरे धीरे आ रहा है, बोला ना देखो तूफान चालू है पूरा यहाँ पर, मस्त वाला व्यू आ गया, मस्त वाला, मस्त मज़ा आ गया इसमें यूरोप ट्रिप में पूरा। आज का दिन तो अभी के लिए बेस्ट है, अभी देखते हैं कल हमारा जुमफ्रा हुआ है, आज तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री गया -16 या 17, और कल जाने वाला है -23 जुमफ्रा में, इन यूरोप का जो हाईएस्ट पिक रहता है वहाँ पर जाएंगे कल। क्या अच्छा लग रहा है भाई, पापा पापा एक चीज़ हो गया, एक चीज़ हो गया वहाँ पर, देखो क्रिस्टल जम गया पूरा पानी से, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस पूरा क्रिस्टल जम गया पूरा बर्फ, एक किक करना बनता है। ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, पापा से अभी बात हो रहा था कि इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर ब्लॉग में 100 व्यूज है क्या होगा पापा? लूल हो जाएगा। लूल हो जाएगा, ये तो पूरा लूल हो गया। अगर इतना मेहनत करने के बाद आप लोग नहीं देखोगे तो मैं तो लूली को जाऊंगा, क्या करूं।
जब गए थे देखा था ना, उतना भी कुछ भी नहीं था। फॉग, अभी फॉग देखो, पूरा क्लाउड्स आ गया। बारिश भी हुआ है यहाँ पर बहुत जोर का, पर स्नोफॉल नहीं हुआ है। ये देखो एकदम नीचे स्नोफॉल नहीं हुआ है, फर्स्ट और सेकंड फेज के बीच में से स्नोफॉल शुरू हुआ है। यहाँ पर भी होने लग जाएगा, उन लोगों ने बोला है कि रात तक होने लग जाएगा स्नोफॉल यहाँ पर भी। मस्त वाला मज़ा आ गया। स्विट्ज़रलैंड, आई लव स्विट्ज़रलैंड। ये जो रहता है ना, आई लव बर्डवान, आई लव कोलकाता, अभी मैं बोल रहा हूँ आई लव स्विट्ज़रलैंड। और भाई ज़िंदगी में दूसरी बार आना है मेरे को, आना ही है मेरे को। नेक्स्ट ट्रिप 20 दिन का होगा भाई, ये पक्का मैं आऊँगा स्विट्ज़रलैंड। मैं आऊँगा फिर से यूरोप, मतलब बड़ा होने के बाद आऊँगा, फिर से आऊँगा, ये तो पक्का बात है। व्लॉग करूँगा, आऊँगा तो उस टाइम ना, इस बार स्विट्ज़रलैंड में 3 दिन है, उस टाइम स्विट्ज़रलैंड में मैं 7 डेज रखूँगा, 7 दिन। पूरा स्विट्ज़रलैंड को मेरे को देखना है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मेरा ड्रीम अभी है स्विट्ज़रलैंड को देखने का पूरा अच्छी तरीके से। सो गाइस, मज़ा तो बहुत आ गया सभी लोग को। ये देखो With frogs, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nose bleed. High on whatever they sold me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. ये देखो, ये देखने आए थे, ये लायन मोनूमेंट यहाँ पर बहुत फेमस है। एक्चुअली यहाँ पर बहुत ही फेमस है, पर नसीब में जो लिखा रहता है ना वही होता है। देखो ये चीज़, स्नोफॉल मिला, दिन बहुत अच्छा गया और लायन मोनूमेंट बंद रहा है, काम चल रहा है यहाँ पर अभी तो नहीं दिख पाया, क्या कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखो पूरा कवर करके रख दिया ना, तो काम चल रहा है, नहीं दिख पाया। भाई यही होता है एक्चुअली, मतलब नसीब में जो लिखा रहता है वही होता है। एक्चुअली ये बनाया क्यों था मैं बोलता हूँ, लायन मोनूमेंट जो आप लोगों ने देखा फोटो पे दिखाया, एक्चुअली जब फ्रांस में वार हुआ था, स्विस आर्मी ने अपना जीवन देके फ्रांस किंग को बचाया था, तो उसी को मतलब उसके उस और उस चीज़ को रिमेम्बरेंस करके ये लायन को बनाया गया है। लायन के पेट में भी बुलेट है, आप लोगों को दिखाते हैं उसी चीज़ को, मतलब वार में जो स्विस आर्मी ने अपना जीवन देके फ्रांस किंग को बचाया था एक टाइम पे, स्विट्ज़रलैंड के साथ जब ऑस्ट्रेलिया का वार हुआ था उस टाइम फ्रांस ने बहुत हेल्प किया था, इसीलिए फ्रांस को किंग को बचाने के लिए स्विट्ज़रलैंड का आर्मी पूरा जीवन दे दिया था, तो उसी का रिमेम्बरेंस करके बनाया। ये देखो यहाँ पर गोली लगाए, ऐसा स्ट्रक्चर करके बनाया था। अभी फिलहाल देखने आए हैं हुसैन लेक और चैपल ब्रिज, दोनों एक ही साथ साथ ही है बहुत करीब, तो वो देखेंगे। चलो अभी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़ोर का बारिश हो रहा है, स्नोफॉल का होने का चांसेस यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस में टेम्परेचर है। अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बारिश में बहुत भीग रहा हूँ आप लोगों के लिए, मतलब उतरा हूँ। हम लोग ग्रुप में टोटल 18 पीपल हैं, पर यहाँ पर आए हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 है और मैं 5, बाकी कोई भी नहीं आया, सभी लोग बस में वेट कर रहे हैं, क्योंकि कितना ज़ोर का बारिश हो रहा है ना। आप लोगों को दिखाते हैं बारिश, कितना ज़ोर का बारिश हो रहा है लेक में, आप लोगों को समझ में आएगा कितना ज़ोर का बारिश है। बारिश हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, झूठ क्यों बोल रहा हो। ये देखो बारिश हो रहा है, ज़ोरों का बारिश हो रहा है, बहुत ज़ोरों का। फिर भी आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। ये देखो ये है चैपल ब्रिज, बारिश देखो भाई, ये चैपल ब्रिज हम लोग अंदर जा रहे हैं, इसको वॉक करके जाने वाले हैं। कितनी सुंदर लग रहा है ये चैपल ब्रिज, बहुत ही सुंदर, और बारिश बहुत है। दिस इज द लुसन लेक, लुसन यहाँ का लुसन फ्लैग भी है, यहाँ पर लुसन का फ्लैग भी है, यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग। लुसन लेक में बारिश देखो, ये देखो भाई, बारिश। तो अभी हो चुका है ये चैपल ब्रिज का जो एंट्री था वो भी ले लिया, लुसन लेक भी देखी, ये लुसन लेक था ये भी कंप्लीट हो चुका है। आज का जर्नी यहाँ पर होता है समाप्त, अभी जाएंगे होटल, होटल जाके आज
डिनर पैक है अभी, क्योंकि यहाँ पर बज रहा है अभी, कितना बज रहा है 4:26, तो अभी चलते हैं होटल, क्योंकि अभी तो डिनर नहीं होगा, अभी डिनर आज पैक हो जाएगा, आज लेट करके डिनर करेंगे, क्योंकि इतना दिन ना 7:30 या 7 बजे इस टाइम में डिनर हो रहा था, आज भाई थोड़ा 9:30-10 बजे डिनर करेंगे। ये हमारा बस खड़ा हुआ है और अभी हम लोग जा रहे हैं बस के अंदर, हीटर के अंदर। अभी वो जो पिछले वाला शॉट था बस वाला, वो उसके बाद आप लोग ये देख रहे हो। तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा वाला नींद आ रहा है, अभी सोने जाना है मेरे को। ब्लॉग कमेंट करते हैं अगर ये आज का स्वीट एंड सिंपल ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया, ये स्नोफॉल वोफॉल सब कुछ अगर पसंद आया तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो बिना बिल्कुल मत जाना। मिलेंगे आप लोगों को बहुत ही जल्द अगले ब्लॉग में, बहुत ही जल्द अगला ब्लॉग लेके आ जाऊंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मीट यू सून।